वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। मैं हूं अदील शहजाद। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको अमेज़ॉन KDP के लिए बुक कवर किस तरह से प्रोफेशनली तरीके से क्रिएट करते हैं वो बताऊंगा। रिसेंटली चेंजिंग की वजह से जो है वो सारा कुछ चेंज किया उन्होंने, तो पेपर बैक कवर और हार्ड कवर और जो सिंपल बुक का कवर होता है वो डिफरेंट तरीके से अब तैयार किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आप अपनी बुक के लिए कवर किस तरह रेडी कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और कमेंट में मुझे लाजमी बताया करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आपने जो है ना गूगल पे आके सर्च करना है कि बेस्ट साइज KDP में जो बुक कवर होता है पिक्सल में वो कौन सा होता है, ठीक है। तो आपने ये अमेज़ॉन किंडल की वेबसाइट है वहाँ पे चले जाना है। तो उन्होंने मिनिमम साइज में बोला है कि 650 मल्टीप्लाई 1000 होना चाहिए, सही है। और मैक्सिमम साइज भी बताया है उन्होंने, इतना मैक्सिमम साइज भी हो सकता है और इमेज जो आप डाउनलोड करके अपलोड करना कर सकते हैं वो 50 MB की होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब कवर किस तरह रेडी करना है आपने। मिनिमम आप चाहे आपने हमेशा मिनिमम ही जो है ना वो साइज लेना होता है, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा लेंगे तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो आप 100x100 या 1000x1000 ले सकते हैं या इस तरह से जितना आपका दिल के आप कर सकते हैं। आपने जस्ट कैनवा पे आना है, यहाँ पे आपने कस्टम साइज पे आना है, ठीक है। यहाँ पिक्सल है इंच मिनिमम सेंटीमीटर, आपने पिक्सल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने जो आपने साइज लेना है। अब मैं ये वाला साइज ले रहा हूँ क्योंकि मिनिमम है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो उस साइज का जो है ना कैनवा डिजाइन मुझे क्रिएट करके दे देगा। तो मेरे पास कैनवा जो है ये प्रो वर्जन है, तो आपके पास जो है वो अगर प्रो वर्जन नहीं भी होगा तो फिर भी ये वाला डिजाइन आपके पास आ जाएगा। अब ये साइज है उसका, ठीक है। अब चल फर्ज करें मैं ये वाले सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब ये वाला सिलेक्ट हो गया। अब आपने जोन सा भी सिलेक्ट करना है, फर्ज करें आप चाहते हैं कि आप यहाँ बच्चों के लिए जो है ना वो बुक क्रिएट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे चाइल्ड लिख सकते हैं, आप यहाँ पे चिल्ड्रन लिखेंगे, ठीक है। तो उस लिहाज से सारे जो है वो आ जाएंगे, सही है। यहाँ ग्राफिक्स आ जाएंगे, फोटो आ जाएगी, जिस लिहाज से भी आप लेना चाह रहे हैं वो वाला आ जाएगा। तो आपने जिस लिहाज से भी जो भी लेनी है आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फर्ज करें मैं ये वाला लगाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह से रिप्लेस कर देते हैं बैकग्राउंड में सारे में, सही। अब आपने यहाँ पे इसको ख़त्म कर देना है, इसको भी उड़ा देना है और ये वाला भी ख़त्म कर देना है, सही। जैसे जैसे आप एडिटिंग करते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। अब आपने यहाँ पे जो भी लिखना है अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये टेक्स्ट है इसको भी ख़त्म कर दें और ये वाला टेक्स्ट है। तो अब यहाँ पे आपने जो कुछ भी राइट करना है इसको राइट करें, इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर आपने रेड करना है, जो भी आपका दिल करे इसका कलर कर सकते हैं आप, सही है। इसका साइज इसका जो भी आप इंक्रीज करना चाहें आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से एक प्रोफेशनल सा जो है ना आपने कवर रेडी करना है। कवर रेडी करने के बाद फिर आपने जो है ना वो मुझे बताना है कि सर हमने जो है ना ये कवर रेडी कर लिया है। फिर आप जिस में कवर रेडी करेंगे तो आप मुझे कमेंट में या मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप उसमें मुझे सेंड कीजिएगा, फिर मैं चेक करके बताऊँगा कि आपका कवर सही है या नहीं सही, ठीक है। ये जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने कवर रेडी करना है। सिंपल बताया मैंने, आप यहाँ से जो मर्जी कवर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जहाँ से डिज़ाइन ले सकते हैं आप इसको पीछे कर दें, यहाँ पे डिज़ाइन लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। आप जो सा भी थीम है आपका, आपका लव स्टोरी थीम है, आप यहाँ पे लव स्टोरी लिखें तो यहाँ पे वो कवर सारे आ जाएंगे। जो आपका दिल करे आप इसको क्लिक करेंगे, न्यू करना रिप्लेस करना है आप रिप्लेस कर दे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एडिट कैसे करना है वो सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरह से जो है वो कवर रेडी कर सकते हैं। ये साइज है, इससे इंक्रीज भी कर सकते हैं, इससे मिनिमम नीचे नहीं जा सकते आप। साइज के नीचे जाएंगे तो फिर इशू होगा, फिर कवर आपका अपलोड नहीं होगा सही से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको या कोई भी इशू आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो एज सून एज पॉसिबल मैं आपको जो है ना रिप्लाई कर दिया करूँगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।